आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे दौर के मतदान में पश्चिम बंगाल में हिंसा, हिंसा के बावजूद जमकर हुआ मतदान। टीएमसी के 40 विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में, चुनावी सभा में मोदी ने किया खुलासा। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर डाले गए वोट, बीजेपी ने लगाया सीधी में बूथ कैप्चरिंग का आरोप। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में किया मतदान। बीजेपी की 2 साध्वियों का हुआ मिलन, साध्वी प्रज्ञा पहुंची उमा भारती से मिलने, दोनों गले मिलकर रोई। और बांधवगढ़ में टाइगर के बाड़े में घुसा इंसान, टाइगर ने पेश की दोस्ती की नजीर। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान में भारी धूप के बावजूद लोगों में उत्साह साफ नजर आया। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में कम मतदान हुआ, वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा के बावजूद जोरदार वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में हिंसा और मध्य प्रदेश के चुरहट से बूथ कैप्चरिंग की खबर है। चौथे चरण में कुल 71 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार की 5, जम्मू और कश्मीर की 1, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 17, ओडिशा की 6, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से 37 सीटें ऐसी हैं जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है, यानी इन सीटों पर 3 से ज़्यादा प्रत्याशियों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इस चरण में कुल 943 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं। महाराष्ट्र में उम्मीद से कम मतदान हुआ, वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा घटनाओं के बाद भी बेहतर मतदान हुआ। एमपी के चुरट से बीजेपी प्रत्याशी ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। वहीं मुंबई में फिल्म और उद्योग जगत की हस्तियों ने जमकर मतदान किया। चौथे चरण के मतदान में भी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, लेकिन मतदान का प्रतिशत भी अच्छा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीरामपुर में चुनावी सभा में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही मोदी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि टीएमसी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। श्रीरामपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता दीदी, लोकतंत्र नहीं आपको ये पद दिया है, आपने पश्चिम बंगाल के लोगों को धोखा दिया है, लेकिन लोकतंत्र को धोखा मत दीजिए। आज जो भी खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहा है, उसका एकमात्र एजेंडा है मोदी को हटाना। भाजपा और एनडीए का साफ साफ कहना है भ्रष्टाचार हटाएंगे, ये कह रहे हैं मोदी को हटाओ। भाजपा कह रही है आतंकवाद और नक्सलवाद से देश को मुक्ति दिलानी है, लेकिन ये कह रहे हैं मोदी को हटाना है। ये वो बता रही है कि दीदी का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर है। और मैंने सुना है कि मोदी को गाली देते देते, भाजपा को गाली देते देते, अब उनका गुस्सा इतना आगे बढ़ गया है कि उनका अपना कार्यकर्ता भी उनके सामने आने से डरता है, भाग रहा है। उनको लगता है कि दीदी मोदी का गुस्सा कहीं अपने ही कार्यकर्ता पर न निकाल दे, झापट न मार दे। मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दीदी आपने विश्वासघात किया है, आज जो पश्चिम बंगाल में गुस्सा है वो आपके विश्वासघात का है और इस विश्वासघात की कीमत यहाँ का नौजवान लेकर रहेगा। दीदी आपकी ज़मीन खिसक चुकी है और देख लेना 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो आपके विधायक भी आपको छोड़कर भाग जाएंगे। आज भी आपके 40 विधायक मेरे संपर्क में हैं। कई राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों और 1 विधानसभा सीट के लिए भी आज वोटिंग हुई। मुख्यमंत्री कमलनाथ जहां विधानसभा में जाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं उनके बेटे नकुलनाथ पिता की सियासी विरासत को बढ़ाने के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह खुद कमलनाथ परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। इससे पहले वो हनुमान मंदिर दर्शन के लिए गए। इसके बाद उन्होंने शिकारपुर के पोलिंग बूथ पर बेटे नकुलनाथ और पत्नी अलकानाथ के साथ वोट डाला।
मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जिन 6 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ उन सभी सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कराएगी। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज मोदी हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि सबको 15 लाख देंगे, क्या हुआ इस वादे का। मध्य प्रदेश के नौजवानों से, किसानों से, व्यापारियों से निवेदन करता हूँ, हम सब मिलकर प्रदेश और देश के भविष्य को सुरक्षित रखें। इन 75 दिनों में हमने जो कराया मध्य प्रदेश की जनता के साथ, आज भारतीय जनता पार्टी हिसाब नहीं दे पा रही, आज मोदी जी हिसाब नहीं दे पा रहे देश को कि क्या हुआ जो उन्होंने चिल्लाए चिल्ला के कहा था। 15 लाख की बात थी, अच्छे दिन की बात थी, नौजवानों की बात थी, एक नए भारत की बात थी, इसका जवाब नहीं दे पा रहे। मध्य प्रदेश के मतदाता सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, गरीब हैं, बहुत समझदार हैं और सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब उन्हें ठगा जाए ये स्वीकार नहीं करेंगे। मैं मध्य प्रदेश के नौजवानों से, मध्य प्रदेश के किसानों से, मध्य प्रदेश के व्यापारियों से, मध्य प्रदेश की माताओं और बहनों से ये आज निवेदन करता हूँ कि हम सब मिलके अपने हितों की रक्षा करें, मध्य प्रदेश के भविष्य को हम सुरक्षित रखें, देश के भविष्य को हम सुरक्षित रखें। मध्य प्रदेश प्रथम चरण में 6 सीटों पर चुनाव मैदान में 108 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। प्रथम चरण के 6 संसदीय क्षेत्र में 47 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट में 8-8 विधानसभा क्षेत्र और छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र है। सौंसर के लोधीखेड़ा बूथ क्रमांक 218 में ड्यूटी के दौरान पीठासीन अधिकारी सुनंदा पति ओम प्रकाश कोठेकर की हृदयघात के कारण निधन हो गया। मध्य प्रदेश में 6 सीटों के साथ छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। धूप और गर्मी से बचने मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी थी। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के लांजी, परसरवाड़ा और बहर में मतदान शाम 4 बजे तक हुआ। मंडला और बालाघाट में सेना के 2 हेलीकॉप्टर तैनात रहे। जबलपुर में एयर एम्बुलेंस तैनात रही। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस के मैदान में उतरे हैं। वहीं नकुलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी से जुन्नार देव के पूर्व विधायक व आदिवासी नेता नथन शाह चुनावी मैदान में हैं। कमलनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला भाजपा के विवेक साहू से होना है। सीधी से अजय सिंह कांग्रेस से मैदान में है, जिनका मुकाबला भाजपा की मौजूदा सांसद रीति पाठक से है। जबलपुर लोकसभा सीट भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। वहीं से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चुनाव मैदान में है, उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा से है। शहडोल सीट पर बीजेपी की हिमांद्री सिंह का मुकाबला कांग्रेस की प्रमिला सिंह से है। मंडला में बीजेपी ने अपना मौजूदा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के कमल सिंह मरावी से है। बालाघाट सीट पर कांग्रेस से मधु भगत, बीजेपी से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और बसपा से कंकर मुंजारे सहित 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अब खबर सीधी से है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीधी में लोकसभा चुनाव के दौरान चोरहट में कांग्रेसियों ने बूथ कैप्चरिंग की है। सांसद और बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक को काट डालने की धमकी दी गई, इसके बावजूद प्रशासन मौन बना रहा। सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार रीति पाठक ने कांग्रेस पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोष्टा मतदान केंद्र पर दबंगों ने बूथ कैप्चरिंग कर बदजुबानी की। इस दौरान रीति पाठक द्वारा बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने पर सांसद के साथ अभद्रता करते हुए, गाली गलौज करते हुए काट डालने की धमकी भी दी गई। विवाद की स्थिति को देखते हुए रीति पाठक को मौका देखकर निकलना पड़ा। इस विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीधी के चुरट में बूथ कैप्चरिंग की खबरों के बीच जब कोष्टा पोलिंग बूथ पर बीजेपी उम्मीदवार रीति पाठक पहुंची तो बूथ कैप्चर करने वाले उनसे उलझ गए। यह बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेसियों पर बूथ कैप्चरिंग और अभद्रता करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बूथ पर मतदान निरस्त करने की मांग की है। एक शख्स ने उनसे झड़प करते हुए अभद्रता की और काट डालने की धमकी तक दे डाली। विवाद बढ़ता देख रीति पाठक खुद को बचाते हुए वहां से जैसे तैसे निकली, जिसके बाद मौके पर SP भी पहुंचे। इस सीट पर रीति पाठक का मुकाबला कांग्रेस नेता अजय सिंह से है।
फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर फिर एक बार चुनाव की। चौथे चरण के मतदान में कई फिल्मी सितारों ने मतदान किया। इस चरण में उत्तरी मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई सीटों पर वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण माया नगरी मुंबई में मतदान हुआ। कई फिल्मी सितारे सुबह से ही मतदान करने पहुंच गए। महाराष्ट्र के जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें उत्तरी मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई सीट शामिल हैं। इन सीटों पर कई जानी मानी हस्तियां वोट करने पहुंच रही हैं। इनमें फिल्म और उद्योग जगत के लोग शामिल हैं। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी सुबह 7 बजे से ही वोट देने पहुंच गए थे। वहीं सुबह सुबह वोट देने वालों में प्रियंका चोपड़ा, रेखा और रवि किशन शामिल रहे। आमिर खान पत्नी किरण राव के साथ मतदान करने पहुंचे। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने वर्सोवा में वोट डाला। माधुरी दीक्षित ने जुहू के पोलिंग बूथ में मतदान किया। रेखा उन फिल्मी हस्तियों में रही जिन्होंने सुबह जल्दी वोट दिया। रेखा ने बांद्रा के एक बूथ पर मतदान किया। वोट देने के बाद रेखा ने मीडिया से बात नहीं की लेकिन उंगली दिखाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित जरूर किया। मुंबई नॉर्थ से कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर ने मतदान किया और लोगों से अपील की कि वे भी अपने मताधिकार का उपयोग करें। अभिनेता रवि किशन ने गोरेगांव में वोट डाला। रवि किशन को भाजपा ने गोरखपुर से टिकट दिया है। फिल्म अभिनेता परेश रावल अपनी पत्नी स्वरूप संपत के साथ मतदान केंद्र जाकर वोट दिया। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से भाजपा प्रत्याशी पूनम महाजन ने सुबह करीब 7:30 बजे मतदान कर दिया। यहां इनका मुकाबला कांग्रेस की प्रिया दत्त से है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से कांग्रेस प्रत्याशी प्रिया दत्त ने सुबह करीब 7 बजे मतदान किया। अब एक खबर बीजेपी की सियासत से जुड़ी हुई। भोपाल से आज दो साध्वियों के मिलन की ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सियासत में कम ही पेश आती हैं। हालांकि वक्त सियासी था लेकिन साध्वी प्रज्ञा और उमा का ये भावुक मिलन उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब दोनों एक दूसरे के गले मिलकर रो पड़ी। इतना ही नहीं, उमा ने प्रज्ञा के पैर भी छुए, उमा ने प्रज्ञा का स्वागत किया और दिग्विजय सिंह को हराने के टिप्स दिए। बदन पर भगवा, आंखों में आंसू और भावुक मिलन। मध्य प्रदेश की सियासत में दो साध्वियों का ऐसा मिलन पहले कभी नहीं देखा गया। उमा भारती और प्रज्ञा ठाकुर दोनों भगवाधारी हैं, दोनों फायर ब्रांड हैं और दोनों ही भाजपा के हिंदुत्व का बड़ा चेहरा होने के साथ साथ अपने अपने वक्त में सियासत का केंद्र बनी है, लाजमी है। ऐसे में दोनों साध्वियों का यह मिलन भी सुर्खियों में है। दरअसल उमा भारती मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। यह खबर जब प्रज्ञा ठाकुर को मिली तो वो उमा से मिलने उनके सरकारी बंगले पर जा पहुंची। उमा ने भी तिलक लगाकर प्रज्ञा का आत्मीय स्वागत किया। उमा भारती ने प्रज्ञा को हलवा खिलाया, शुभकामनाएं दी। उमा प्रज्ञा के पैर छूते हुए नजर आईं। उमा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तमाम अत्याचारों को सहने वाली प्रज्ञा से खुद के त्याग को कम मानती हैं। यही वजह है कि अब उमा ने भोपाल में प्रज्ञा को जिताने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया है। ये कांग्रेसी हो चाहे वामपंथी हो, ये सब कभी मिलकर के एक है। उसका कारण है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी खत्म हो गई है। आइडियोलॉजी के मामले में कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है। वो आइडियोलॉजी को ले रहे हैं वामपंथियों से और वामपंथियों में भी अब कोई बचा नहीं है। क्योंकि जब गुजराल और देवगौड़ा की सरकार को वामपंथियों ने समर्थन किया और उसी समय पूरे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के करार हुए WTO के, उसके कारण वामपंथियों की विचारधारा भी खत्म हो गई। तो अब उनके पास गाली गलौज करने वाले, देश तेरे टुकड़े में नारे लगाने वाले जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं, जिससे कन्हैया कुमार जी यहाँ आएंगे, इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? दिग्विजय सिंह को ही सफाई देनी पड़ेगी, वही सफाई दी इस बार। हाँ, दिग्विजय सिंह जी को फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा उनको, और नुकसान होगा। वो तो पहले ही नुकसान में और घाटे में आ जाएंगे।
दरअसल उमा भारती ने 2003 में दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल किया था और आज दिग्गी को हराने यह गुण उमा ने प्रज्ञा को भी दिए। करीब एक घंटे तक बंद कमरे में उमा भारती प्रज्ञा ठाकुर को गुरु मंत्र देती रही। अब देखना यही है कि उमा की ढाल के सहारे चुनावी रण में प्रज्ञा दिग्विजय सिंह का मुकाबला कैसे करेंगी। उमा भारती ने कहा, कन्हैया कुमार के आने से दिग्विजय सिंह को और नुकसान होगा। चुनाव से जुड़ी हुई एक और खबर, छतरपुर से हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लवकुश नगर नहीं पहुंच सके। इसके बाद शिवराज सिंह ने मोबाइल फोन के जरिए सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। छतरपुर के लवकुश नगर में खजुराहो लोकसभा सीट से बीडी शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा करने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को आना था, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से वह सभा करने लवकुश नगर नहीं पहुंच सके, जिससे सभा स्थल पर शिवराज को सुनने इकट्ठा हुई भीड़ सभा स्थल से निराश होकर जाने लगी। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने फोन से ही सभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित करते, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान आपको संबोधित करेंगे। बोलिए भारत माता की। राहुल गांधी ने किसानों को वचन दिया था कि हम सरकार में आए तो 10 दिन के अंदर सब किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, और 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। लवकुश नगर में बैठे बहनों और भाइयों, किसान भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सबका कर्जा माफ हुआ? किसानों का कर्जा माफ हुआ? बेईमानी की हमसे कर्जा माफ कर देंगे? एक तरफ ये कह रहे हैं 2 घंटे में माफ कर दिया, दूसरी तरफ कमलनाथ मोबाइल मैसेज करके कह रहे हैं कि आचार संहिता के कारण नहीं कर पा रहे, हम बाद में देखेंगे। इनको कर्ज माफ करने नहीं है, पैसे देने का इंतजाम किया नहीं है इनने, अब पैसा ना देला लवकुश नगर का मेला कहाँ से कर्जा माफ होगा। सभा संबोधित करते हुए शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने किसानों के 2 लाख का कर्ज 10 दिन में माफ करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने किसी किसान का कर्ज माफ नहीं किया। वहीं सरकार ने बिजली कटौती भी चालू कर दी है। वहीं बेरोजगारों को 4000 भत्ता देने का वादा किया था, वह भी किसी को नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय अपनी पूरी रो में है, वो प्रत्यक्ष भाषण दें या फिर मोबाइल फोन के जरिए, हर जगह वो समा बांधने में माहिर हैं। राजगढ़ के सारंगपुर एवं जीरापुर में वाहन चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थानों से करीब 21 किलो चांदी की 47 सिल्लियां पुलिस ने जब्त की हैं। चांदी ले जा रहे लोग इसका हिसाब किताब पुलिस को नहीं दे पाए। जीरापुर में शासकीय महाविद्यालय के सामने छापेहेड़ा रोड पर लगाए गए एसएसटी पॉइंट पर जांच के दौरान एक वाहन से 2.5 किलो से ज्यादा चांदी बरामद की गई। चांदी ले जा रहा शिव इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका तो पुलिस ने चांदी की सिल्लियां जब्त कर ली। वहीं सारंगपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए इंदौर से माचलपुर जाने वाली बस से चेकिंग के दौरान 19 किलो 890 ग्राम चांदी की 35 सिल्लियां बस के क्लीनर चंदर सिंह से जब्त की। क्लीनर से पूछताछ करने पर बताया, चांदी बिट्टू सोनी की है। चुनाव का वक्त है इसलिए वाहनों की चेकिंग की जा रही है, कहीं नोट तो कहीं चांदी बरामद हो रही है। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और सियासी खबर, जीत और हार किसी की भी हो, मगर वोटों को नोटों से खरीदने की खबर लगातार हर चुनाव में सामने आती रहती है। मगर अब नोट से वोट नहीं बिकते और इस बार नोट बांटते नेताजी की पिक्चर ही बन गई। झोंपड़पट्टी में नोट बांटते बीजेपी कार्यकर्ता को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। छिंदवाड़ा में देहात थाना क्षेत्र की झोंपड़पट्टी में ये नेताजी नोट बांटते हुए पकड़े गए। प्रकाश सूर्यवंशी नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता के पास से पुलिस ने 90,000 रुपये नकद बरामद किए, साथ ही किसको कितने पैसे बांटे गए उसकी सूची भी इनके पास से मिली है। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी धनबल से वोट खरीदने की कोशिश में लगी हुई है।
पुलिस देहात को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये अपने सोयाबीन प्लांट के पास खराब बम है, एक व्यक्ति को वो जो है कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में पैसा बांट रहा है, इसी पर पुलिस वहाँ पर पहुँची और उसको मौके पर पकड़ा, जिसका नाम है प्रकाश पिता नंदलाल सूर्यवंशी, निवासी राज गार्डन के पीछे। इसकी वहीं पर मौके पर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से करीबन 90,050 रुपये मिले हैं। और जो पूछताछ करते बताया कि उस बंटी प्रत्याशी बंटी साहू के पक्ष में जो है पर्ची का हिसाब किताब भी निकला है, उसमें पूरा हिसाब किताब भी लिखा हुआ है, कुछ साक्षियों के द्वारा वीडियो भी उपलब्ध कराया गया उसकी और डिटेल में जांच की जा रही है। सियासत के बाद एक खबर थोड़ी सी सुकून देने वाली है, ये लीक से हट के खबर है। बांधागौर टाइगर रिजर्व के बमेरा इनक्लोजर में रखे गए एक युवा बाघ के साथ वन विभाग के कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में पहले बाघ दिखाई देता है और पीछे से आवाज आ रही है जिसमें मामू नाम के किसी कर्मचारी को वो लोग इनक्लोजर के अंदर जाने से रोक रहे हैं जो शायद वीडियो बना रहे हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आया वीडियो बाघ और इंसानी दोस्ती को दर्शा रहा है। वीडियो में पहले बाघ और कुछ ही सेकंड बाद यह कर्मचारी दिखाई देने लगता है जो सामने बैठे बाघ के पास पहुंच जाता है और उसकी गर्दन में हाथ फेरकर उसे खिलाने लगता है। बाघ भी उसके प्रेम को समझता हुआ नजर आता है और उसके दुलार से वह लेट जाता है। इसके बाद जब वह कर्मचारी वहां से लौटता है तो बाघ भी उसके साथ चलने लगता है। इसके बाद मामू एक बार फिर बाघ को स्नेह से खिलाता है। बमेरा इनक्लोजर में बाघ के साथ नजर आ रहा वनकर्मी मामू दरअसल बाघ का हैंडलर है। वह इस बाघ को बचपन से ही हैंडल करता आ रहा है जिससे बाघ उसे बेहतर ढंग से पहचानने लगा है। हालांकि इस तरह का वीडियो वाइल्ड लाइफ एक्ट का उल्लंघन है। यह वीडियो NTCA तक पहुंच गया है और दिल्ली के अधिकारियों ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। इस बारे में SDO अनिल शुक्ला ने बताया कि जांच के बाद अवश्य कार्यवाही की जाएगी। अब खबर सियासत से है। रीवा में एक चुनावी सभा में शिवराज सिंह चौहान ने बेरोजगारी और किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर कमलनाथ सरकार और राहुल गांधी को जमकर कोसा। हालांकि शिवराज की चुनावी सभा के दौरान काफी कुर्सियां खाली नजर आईं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा को संबोधित करने रीवा के मनीगांव पहुंचे। शिवराज ने भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में वोट करने की अपील की। अपने 19 मिनट के भाषण के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने 12 बार राहुल गांधी को राहुल बाबा कहकर बुलाया। शिवराज ने जहां एक ओर मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और गठबंधन की आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस गठबंधन का कोई औचित्य ही नहीं है। गठबंधन कब किसे अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे और कब सरकार गिर जाएगी कोई भरोसा नहीं है। जिसका कोई मुखिया नहीं है वो सरकार क्या चलाएंगे। मजबूत प्रधानमंत्री को 1996 में अटल जी बहुमत से तरीके था। ऐसे गठबंधन की सरकार बनी थी। गठबंधन ही है, ठगबंधन है, ठगबंधन सारे ठग इकट्ठे हो गए। उस समय क्या हुआ, कहीं ईंट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कोई वालोड़ा, उसके तरीके से देखे घोड़ा। आठ महीना में बराबर बताया चलो देश चला सकते हैं क्या। और जब मजबूत सरकार चाहिए वो नरेंद्र मोदी चाहिए। और जब मैं आज आपसे निवेदन करने आया तो चूक ना हो जाए, नहीं होगी। देवतला और नया गरीब वाले कर नहीं सकते, रीवा वाले कर नहीं सकते। अटल विश्वास और शिवराज को अटल विश्वास। शिवराज सिंह ने प्रदेश में अपने किए गए कार्यों का उल्लेख किया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने किसानों के हित में बनाई गई सभी योजनाओं को बंद कर दिया है। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया, युवाओं के साथ धोखा किया है सरकार ने, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया गया। शिवराज ने कांग्रेस को लंगड़ी सरकार कहते हुए कहा कि सरकार कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। हालांकि शिवराज के भाषण के दौरान सैकड़ों कुर्सियां खाली पड़ी रहीं और लोग नदारद रहे। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब एक अलग किस्म की खबर, सड़कों पर चौराहों पर भीख मांगते बच्चों को कुछ पैसे देकर या तरस खाकर आगे बढ़ जाने भर से इनका भला संभव नहीं है। इसके लिए विस्तृत तौर पर कुछ करने की जरूरत है। अब भोपाल में इसकी पहल हो चुकी है। दिव्य जीवन हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी ने बीड़ा उठाया है और प्रण किया है कि अब चौक व सड़कों पर गरीब बच्चे भीख नहीं मांगेंगे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए दिव्य जीवन चल विद्यालय का शुभारंभ किया गया है। दिव्य जीवन चल विद्यालय भोपाल के गरीब, दिव्यांग और निशक्त बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और आवास हेतु कार्य करेगा। दिव्य जीवन हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी ने भोपाल के बेसहारा और भीख मांगने को मजबूर बच्चों की पढ़ाई के लिए दिव्य जीवन चल विद्यालय का शुभारंभ किया और भोजन कराने के साथ अध्ययन सामग्री दी। कार्यक्रम में बच्चों ने गीत और डांस भी किया। संस्था के संस्थापक दिव्या भड़तरे ने बताया कि देश में करोड़ों की संख्या में भीख मांगते बच्चे चाइल्ड ट्रैकिंग के शिकार हैं। इनमें कई लड़कियां भी हैं जो बड़ी होने के बाद देह व्यापार में भेज दी जाती हैं। मजबूरी में उन्हें वह सब करना पड़ता है। कुछ बच्चे पढ़ना और बढ़ना चाहते हैं। अगर इन्हें पढ़ाई से जोड़ने में हमारी संस्था सफल होगी तो ये भी सामान्य नागरिक का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। संस्थापक डॉक्टर संस्कार ने बताया कि दिव्य जीवन संस्था का उद्देश्य आगामी कुछ महीनों में 3000 सदाशयों के साथ वाइल्ड ट्रैकिंग को रोकने के लिए भोपाल में 300 से ज्यादा दिव्य जीवन चल विद्यालय शुरू कर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। आज के दिन जो इनिशिएटिव लिया है वो अभी तक का सबसे अनोखा और सबसे ऐसा इनिशिएटिव जो जिससे लोगों के सपने, बच्चों के सपने पूरे होंगे। इस इनिशिएटिव का नाम हमारा है दिव्य जीवन स्कूल, दिव्य जीवन चंद संस्था। इसमें गरीब बच्चों को, निर्धन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस स्कूल में और बाकी स्कूल में क्या फर्क है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये स्कूल भिखारियों के लिए, जो माँ बाप अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए यूज करते हैं, जो महिलाएं आपको बच्चे हाथ में लेकर आपसे दूध की बोतल दिखाकर पैसे मांगती है, वो बच्चे क्या उन्हीं के ही होते हैं या वो कहीं से उनका अपहरण करके लाए होते हैं? क्योंकि बच्चों को देखकर भीख अच्छी मिलती है। हमारा मुहिम ये है कि वो बच्चों को भीख मांगने के लिए यूज ना करें और हम उन्हें पैसे देकर उनका प्रोत्साहन ना बढ़ाए। और इसीलिए हम उन बच्चों को काम दे रहे हैं, छोटे छोटे से काम दे रहे हैं, जैसे कि फूल की शॉप हो गया, टॉफी की शॉप हो गया, कि हम आपको पैसे भी देंगे, सोर्स ऑफ इनकम भी देंगे और पढ़ाएंगे भी। और इसी के साथ हम उनके स्किल डेवलपमेंट पे भी काम। अब खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जो बताती है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आम इंसान ठान ले तो विकास की राह कोई रोक नहीं सकता। सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे ग्रामीणों को जब सड़क नहीं मिली तो उन्होंने गुहार करना छोड़ दिया। फिर खुद ही पूरे गांव के लोगों ने मिलकर श्रमदान किया और पहाड़ काटकर 80 किलोमीटर के लंबे रास्ते को छोटा कर मात्र 15 किलोमीटर में समेट दिया। सरकारें बदलती रहीं मगर कभी किसी ने गांव वालों की इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। सालों से इस गांव के लोग 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 80 किलोमीटर घूमकर पहुंच पाते थे। अब गांव की युवा पीढ़ी ने ठान लिया है और सबकी राह आसान कर दी है। मैनपाट विकास खंड में कदनई एक ऐसा गांव है जहां मैनपाट की ओर से जाने का कोई मार्ग ही नहीं है। इस गांव के लोगों ने नवानगर से बतौली होकर लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। लगभग 2500 की आबादी वाले गांव की इस गंभीर समस्या की ओर शासन प्रशासन का कभी ध्यान ही नहीं गया। इस गांव के ही एक युवा ने ऐसी पहल कर दी कि पूरा गाँव उसके साथ आ गया और लगभग 3 माह में ग्रामीणों ने 2 किलोमीटर पहाड़ काट सड़क बना दी। मैनपाट मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर है, जिसके लिए 80 किलोमीटर जाना पड़ता है। ग्रामीणों की इस अनूठे कार्य की पूरे मैनपाट में प्रशंसा हो रही है। जंगल पहाड़ के कारण आजादी के इतने वर्षों बाद भी आवागमन के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। काफी दिनों से कदनई से नवानगर की ओर 15 किलोमीटर पहाड़ तक सड़क बनाने का मांग ग्रामीण करते रहे हैं, पर शासन प्रशासन ने इसकी मांग को ध्यान नहीं दिया है। कुछ महापूर्व गांव के ही युवा सुग्रीव यादव ने ग्रामीणों के साथ मिलकर योजना बनाई और हाथ में कुदाल लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमदान के लिए निकल पड़े। इस उत्साह में ग्रामीण खेती बाड़ी का सारा काम का छोड़कर पहाड़ खोदने में लगे हुए थे। शासन प्रशासन के ध्यान न दिए जाने से ग्रामीणों ने यह कदम उठाया है और संदेश दिया है कि अगर ठान लो तो सब कुछ संभव हो जाता है। संत हिरदाराम नगर में देश और प्रदेश की खुशहाली एवं सुख शांति के लिए संत नगर में 8 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन रोशनी नैनवाणी एवं पंडित दिलीप शर्मा के सानिध्य में ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है। शुभारंभ के मौके पर संत नगर स्थित शिव मंदिर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा संत नगर के मार्गों से होती हुई यज्ञ स्थल पर संपन्न हुई। यहाँ 8 दिनों तक सुबह शाम लक्ष्मी नारायण महायज्ञ विधि विधान से ब्राह्मणों द्वारा किया जाएगा, जिसका समापन 4 मई को होगा, जिसमें विशेष पूजा अर्चना के साथ कन्या भोज एवं भंडारे का आयोजन भी होगा।
यह यज्ञ कल से आरंभ हुआ है। 27 तारीख से श्रेष्ठतम मुहूर्त था और 4 मई तक चलने वाला है। 4 मई को यहाँ का पाठोत्सव है। यहाँ जो भीतर हरसिद्धि मैया की स्थापना हुई है वो 4 मई को स्थापना हुई थी, तो 4 मई को यहाँ पर पूर्णाहुति और भंडारे का आयोजन किया है। जो दैनिक यज्ञों में होता है निश्चित तो ही निश्चित विधान है, वैदिक विधान, उस अनुरूप यह यज्ञ चल रहा है। प्रातःकाल पूजन, मध्यान्हकाल में थोड़ा सा विश्राम, तो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हों इसलिए इस यज्ञ को लक्ष्मी नारायण याग का नाम दिया है। महाशिवरात्रि 13 साल पूरा होने पे हमने महायज्ञ का आयोजन किया है। इसमें आप सभी का स्वागत किया जाएगा और यहाँ पे महायज्ञ का आयोजन किया है जिसमें ना डेली यज्ञ चलता रहेगा। कल हमने कलश यात्रा निकाली थी और 7 दिन का यज्ञ चलेगा। तो सबको आना होगा, नगरवासियों का स्वागत है। 4 मई को यहाँ पे भंडारा किया जाएगा जो स्थापना दिवस है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब हम छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए जर्जर भोपाली को, जो आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, चुनाव में तो ऐसी वेरेंट वेरेंट किस्म की खबरें आ रही हैं, मजा आया सुन के। ये अपने दिग्विजय सिंह साहब हैं भोपाल के प्रत्याशी, ये क्या कह रहे हैं कि हम बर्रूघाट भोपाली बनेंगे। बताओ, बर्रूघाट भोपाली के लिए बहुत क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। पटियों पर बैठना पड़ता है, टाइम वेस्ट करना पड़ता है। ये इनके पास है क्या इतना टाइम? ये चुनाव में कुछ भी बोलने से चलता नहीं है, बता रहे हो। बर्रूघाट भोपाली हमारा क्या होगा, ये बर्रूघाट बन जाएंगे तो। और दूसरा ये खबर बता रहा हूँ मैं इधर पे, आकाशवाणी में जो फूल वूल से संबंधित ये जो गाने हैं ना, उन्होंने बैन कर दिया सुनाना। जैसे फूल तुम्हें भेजा है खात्मी, ये क्या होगा वो क्या होगा, ऐसे ऐसे गाने, मतलब चुनाव का असर गानों पे भी हो रहे हैं। और जो कलाकार खड़े हुए उनके भी गाने नहीं सुनाए जा रहे, बता रहे हैं, उन पर भी बैन लगा दिया आकाशवाणी वालों ने। ये तो चल रहा है, चुनाव का असर बहुत दिख रहा है। और ये खबर इधर देख लो, स्मृति ईरानी खेत में जो आग लग गई थी उसको बुझाने चली गई। हमें बता रहे हैं ये आग तो जाने पूरे देश में लग रही है। ऐसे ऐसे ये इनके मुँह से, जो नेताओं के मुँह से ऐसे ज़्यादा गर्मी निकल रही है, बता रहा हूँ, बहुत खतरा चल रहा है। और ये खबर एक देख लो, वो ये हवाई जहाज वालों की हालत, कंपनियों वालों की हालत तो ये बहुत बुरी हो रही है, बता रही हूँ। ये पहले किंग फिशर का काम लग गया, अब ये जेट के बाद वो पवन हंस जो है एयरवेज, उन उसमें भी है सैलरी वैली देने में तकलीफ हो रही है। और मैं बता रही हूँ हवा में उड़ने का काम, मैं तो कह रहा हूँ बैलगाड़ी वगैरह खरीदो, घोड़ा वोड़ा खरीदो, पुराना जो सिस्टम था वो अच्छा था। मैं तो अभी एक बैलगाड़ी खरीदूंगा, बता रही हूँ। हाँ, और दूसरा ये देख लो आप, ये बीजिंग में एक जो फिल्म है ना एवेंजर्स एंड गेम, इसका जो आखिरी फिल्म है, इसको देख के वो एक इतनी इमोशनल हो गई, उनको पता लगा ये इसके बाद बनेगी नहीं, इतनी इमोशनल हो गई, इतनी रोई, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। बताओ फिल्मों में भी कितना दिमाग अपना दिल लगा लेते हैं लोग। मैं कह रहा हूँ फिल्मों को फिल्मों की तरह लो, असली ज़िंदगी अलग होती है, फिल्में अलग होती हैं। हाँ, और ये खबर न्यूयॉर्क से बहुत अच्छी खबर आ रही है, बता रहे हो, इन्होंने कार फ्री डे अर्थ डे मनाया। उस दिन साइकिल चलाई लोगों ने, पैदल चली, कितनी अच्छी बात है। कितना पोल्यूशन फैल जाता है ये कारोबारों से, मैं बता रही हूँ, वही जमाना आ जाना चाहिए। मैं तो अपने घोड़ा है टक 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 लेके जाऊँगा, बहुत मज़ा आता है। हाँ, अभी ये खबर IPL की सुन लो, ये विराट कोहली की जो टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये बाहर हो गई है। हाँ, मुझे तो लगता है ये इनको क्या विज्ञापन विज्ञापन के लिए टाइम कम मिल गया था, अब बहुत विज्ञापन आ रहे हैं तो वही करने के लिए इन्होंने कहा चलो फुर्सत हो जो निकल लो। अब मैं भी निकल लिया हूँ भैया, मेरे को भी बहुत काम है, विज्ञापन मिलने हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।